हेलो एवरीवन, मेरा नाम सहर। अस्सलाम वालेकुम, मैं दीपा। आप सबका बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर एक बार फिर से। आपको ना सब बोलते हैं कि हम मम्मी को बड़ा पसंद करते हैं। मम्मी बहुत हमें पसंद है। आप दोनों हमारे इंडिया आए, हम आपका बड़ा अच्छे से वेलकम करेंगे। कैसे आए, आ नहीं सकते। आप उनको दुआएं देते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है। मैं दुआएं देती रहती हूँ हर टाइम। मैं कहती हूँ आप खुश रहे, आप अल्लाह ताला को जिंदगी आपको बहुत ज्यादा देना। बिल्कुल। तो आज हम वाली सही बात आज की वीडियो लेकर आए, जिसमें हम देखने वाले हैं कि भाई पाकिस्तानी किड्स का माइंडसेट हम देखेंगे और दूसरी तरफ हम इंडियन किड्स जो है उनका माइंडसेट देखेंगे। सना अमजद और नेशन टॉक वीडियो है, उनको जाके जरूर देखना है। ऐसा करते देखते हैं आज की वीडियो। इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज माइंड में क्या आती है? बकवास। बकवास क्यों? वो हिंदू है और हमें हिंदू नहीं पसंद। तो साहब, मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो पाकिस्तान के लोग हैं वो क्या सोचते हैं, पाकिस्तान के जो बच्चे वो क्या सोचते हैं इंडिया के बारे में। आइए आज हम आपको इस वीडियो में यही दिखाने वाले। तो वीडियो पूरे एंड तक जुड़े रहना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल आदी है। इर्तिका। हसन। हुसैन। अलियान। अलीजे। अनाया। आयजा। खालिद। अहमद। रहीमा। उमर। अब्दुल आदी किस क्लास में पढ़ते हो? 5th class। 4th class। मैं 7th। 5। नर्सरी। अभी 9th के पेपर दिए बोर्ड के। और आप? मैंने भी 7th के पेपर दिए। 2A। 6। 4। 4th class में पढ़ते हो? प्रेप। अच्छा, प्रेप में पढ़ते हो। मैं भी हैरान होगी, इतनी छोटी सी बच्ची 4th class में कैसे चली गई। मुझे ये बताओ कि इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज माइंड में क्या आती है? बकवास। बकवास क्यों? वो हिंदू है और हमें हिंदू नहीं पसंद। गलत बात। ये आपने किससे सुना, किसने सिखाया आपको? मेरी मम्मा ने। मम्मा ने सिखाया। मम्मा ने क्या कहा इंडिया के बारे में? कि इंडिया हिंदू है, उनसे मतलब जोड़ी नहीं रखनी चाहिए। हिंदू है तो क्या नहीं करना चाहिए? जोड़ी नहीं रखनी चाहिए। जोड़ी मतलब दोस्ती? हाँ जी। किसी हिंदू को जानते हो? ना। तो फिर दोस्ती कैसे हुई किसी के साथ? जानता हूँ, यूट्यूबर्स हैं। अच्छा, हाँ जी। तो कैसे लगते हैं वो आपको? हाँ, कुछ अच्छे होते, कोई बुरे होते हैं। सब एक जैसे नहीं होते। स्कूल में इंडिया के बारे में क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है? स्कूल में इंडिया के बारे में कोई नहीं पढ़ाया जाता, कायदे आजम के बारे में पढ़ाया जाता है। नहीं मतलब क्या बताया जाता है, कैसा मुल्क है इंडिया हमारा, हम साया मुल्क है ना, उसके बारे में कुछ तो पढ़ाया जाता होगा। मुतालिया पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है। क्या? के जैसे कि आप लोगों को मतलब एक जैसा कैमरे की तरफ आप बताओ कि एक जैसे दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। और दूसरा ये हमें पढ़ाते भी हैं साथ में इंडिया के बारे में। पंजाब कैडेट स्कूल है, ठीक है, उधर पढ़ाते हैं। तो उधर पाकिस्तान के बारे में, चाइना के बारे में और इंडिया के बारे में सब कुछ बताते हैं। क्या बताते हैं? कि चाइना तो ठीक है पर इंडिया जो है वो ज़्यादातर अच्छा नहीं होता, हिंदू होता है। तो देख ले भाई, आपने इनकी सोच, उसके बाद भी आप चलो आप पूरी वीडियो देखो, बाद में बात करता हूँ। हिंदू जैसा तो इंडिया में ये होता है कि जैसे मोमोज, इतनी गंदी चीज़ें होती हैं कि खाने के काबिल ही नहीं होती। आपको किसने बताया ये कि इंडिया में गंदी चीज़ें होती हैं खाने के काबिल नहीं? तो कभी इंडिया गए हो आप? नो, मैं गया था, जाऊँगा भी नहीं। जाऊँगी भी नहीं, क्या वजह? इतनी नफरत इंडिया के लिए क्यों है? हमारा दुश्मन है। किसने सिखा दी इतने छोटे से दिमाग में इतनी नफरत, किसने भर दी इंडिया के लिए? टीवी में न्यूज़ आते हैं ना, उससे सीखता हूँ। टीवी में जो न्यूज़ आती है उससे सीखते हो? यार ये तो बड़ी गलत बात है। हमारा नेबर कंट्री और कहते हैं हम साए तो माँ जाए होते हैं, उनके साथ बना कर रखनी चाहिए ना, अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है, बना लेंगे दोस्ती हम कभी कभी ना। इतनी नेगेटिव सोच के साथ कैसी दोस्ती बनेगी इंडिया के साथ? देखते हैं, अब पता चलेगा। कैसे पता चलेगा जब पेरेंट्स ये बता रहे हैं कि वो अच्छा नहीं है, हिंदू हैं, बकवास कौम है, हमें उनसे दोस्ती नहीं रखनी चाहिए, तो फिर और कौन सिखाएगा? हमें हमारी माँ बाप सब कुछ सिखाएंगे। अल्लाह सारे ने हमें बड़ा किया है, माँ ने बड़ा किया है, बाप ने बड़ा किया है, वही सिखाएंगे सारा कुछ। अच्छा, इंडियन मूवीज देखते हो? हाँ कभी कभी देखता हूँ। इंडिया बुरा भी लगता है लेकिन उसकी मूवीज भी देखते हो, ये क्या सीन हुआ? अब इंडिया थोड़ा सा अच्छा लगा। अच्छा, थोड़ा सा अच्छा लग गया मेरे से बात करने के बाद? उससे भी ज्यादा अच्छा। ये बताओ, इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज दिमाग में क्या आती है? कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट किस चीज का कॉन्फ्लिक्ट? के हम इंडिया ये सोचता कि हमने उसके लैंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, लेकिन हमने अपनी खुद की कंट्री बनाई है।
ठीक है, तो इसलिए आपको लगता है कि इंडिया हमसे नाराज है? तो फिर इंडिया को कैसे मनाया जा सकता है? अगर वो हमारे साथ अच्छा करते तो हमें भी उनके साथ अच्छा करना चाहिए। बिल्कुल, आप इंडिया जाना चाहोगी अगर मौका मिले तो? श्योर। कहाँ कहाँ घूमना चाहोगी? वहाँ की जो मतलब बहुत स्पेशल जगह होती है वो उधर। इंडियन मूवीज देखती हो? नहीं नहीं देखती। अच्छा मुझे ये बताओ, स्कूल में इंडिया के बारे में क्या पढ़ाया जाता है, क्या बताया जाता है? इंडिया हमारा दोस्त है या फिर दुश्मन? दुश्मन है हमारा, लेकिन हमें उसके साथ दोस्त की तरह रहना चाहिए अगर वो हमारे साथ दोस्त की तरह रहता है। ठीक है, आपको स्कूल में बताया गया कि इंडिया हमारा दुश्मन है? हाँ। क्या दुश्मनी है इंडिया की और हमारी? के वो कहता है कि मुस्लिम ना रहे और सारे इंडियन बन जाए। अच्छा, ये आपको किसने बताया कि इंडिया ये चाहता है कि हम सारे हिंदू बन जाए और मुस्लिम ना रहे? मेरी टीचर ने बताया मुझे। टीचर ने बताया, तो आपने टीचर से पूछा नहीं कि इंडिया ऐसा क्यों चाहेगा कि अब ये ज्यादा मुसलमान तो हिंदुस्तान में रहते हैं? आपने अगली दफा अपनी टीचर से पूछनी है ये बात कि इंडिया ऐसा क्यों चाहेगा क्योंकि पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान तो हिंदुस्तान में रहते हैं। पूछोगे? ओके। इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज दिमाग में क्या आती है? मोटो व्लॉग। गेमिंग। गेमिंग क्या वजह है? मोटो व्लॉग क्योंकि मैं बचपन से ही बाइक बहुत पसंद है। अच्छा। इसलिए तो मोटो व्लॉग मैं देखता आ रहा हूँ बचपन से। इंडियंस ही देखते हो? हाँ जी। क्या वजह है, फोकस सारे इंडियंस पे क्यों है? पाकिस्तान के जो हैं वो बहुत बोरी है। अच्छा। और इंडिया के हैं इंटरेस्टेड। किसको फॉलो कर रहे हो? आलियान व्लॉग्स। अच्छा, जबरदस्त। और जानू स्टंट्स। क्या जानते हो इनके बारे में, कितना नॉलेज है उनके बारे में? नॉलेज तो मतलब कि है तो बहुत अच्छे हैं ये लोग, इनके व्लॉग्स भी बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा। बाकी तो इनकी बाइक्स वगैरह जबरदस्त। अच्छा, यानी आपको इंडिया की बाइक और पाकिस्तान की बाइक का हम कंपैरिजन करें तो क्या लगता है किस कंट्री की बाइक ज़्यादा अच्छी हैं? बाइक्स दोनों कंट्री की सेम ही है, बस जो होते हैं ना व्लॉग्स वो इंटरेस्टेड इंडिया की हैं। सही। आप इंडिया की गेमिंग के बारे में क्या जानते? गेमिंग में ज़्यादा मज़ा आता है। गेमिंग में ज़्यादा मज़ा आता है? बचपन गेमिंग इंटरेस्टेड था। कौन सी गेम्स खेलते हो? GTA 5, माइनक्राफ्ट, ऐसी की गेम बस। ये सारी इंडियन गेम्स हैं? नहीं, गेम्स तो हैं बस गेमिंग जिनको जिनकी देखता ना वो इंडिया की है। क्या वजह इंडिया की क्यों गेमिंग देखते हो, पाकिस्तान की क्यों नहीं? पाकिस्तान में इतना मज़ा नहीं है, ट्रस्ट नहीं है। पाकिस्तान में कोई है भी नहीं। अच्छा, पाकिस्तान में नहीं है कोई भी। इंडिया का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? फौजी। फौजी किसके? फौजी इंडिया के या पाकिस्तान के? इंडिया के। इंडिया के फौजी क्यों आते हैं दिमाग में? क्योंकि जो इंडिया पसंद है। इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज माइंड में क्या आती है? जो पाक स्टडीज में पढ़ा था सारा इंपैक्ट ऑफ वॉर और ये सारा कुछ वही याद आ जाता है इंडिया के नाम से, जो लाइक कश्मीर का हुआ था कैप्चर और लाइक जिस तरह कश्मीर ने लाइक अपना आपको महफूज किया था इंडिया से, इस तरह की चीज़ें लाइक याद आ जाती हैं। किस क्लास में ये पढ़ाया गया? 9th क्लास में ही पढ़ाया गया था, मगर पहले भी पढ़ाया गया था काफ़ी। और आप क्या कहोगे, इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज़ माइंड में क्या आती है? जंग। जंग कौन सी वाली? हमारी तो 4 जंगें हुई हैं। नहीं, अभी होनी है जो उसकी आती है। अच्छा, अभी उम्मीद है कि एक होनी भी है। लाइक ग्रज आता है जारी से, कश्मीर के साथ उन्होंने जो किया और काफ़ी चीज़ें उन्होंने बुरी की हैं पाकिस्तान पे, जो हमले वगैरह किए हैं उसका। अच्छा, ये सब आपको कैसे पता चला, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या था? जारी से पता है, स्कूल एजुकेशन, एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्कूल में हमें सारा कुछ सिखाया जाता है, बैक हिस्ट्री और सारा कुछ उसका। स्कूल में क्या पढ़ाया गया इंडिया के बारे में? इंडिया के बारे में बुरा ही पढ़ाया गया कि इट्स नॉट अ गुड कंट्री फॉर अस और इसी तरह। आपने क्या पढ़ा अब तक इंडिया के बारे में, हमारे स्कूल में हमारी बुक्स में जो इंडिया के बारे में पढ़ाया जाता है क्या इम्पेक्ट डाला जा रहा है बच्चों के ऊपर, उन्हें क्या पढ़ाया जा रहा है? आपने भी रिसेंटली पेपर भी दिए हैं और आपने 9th क्लास में जो पढ़ा है थोड़ा सा बताइएगा। लाइक उसमें यही बताया गया है कि लाइक किस तरह जो जो इंडिया थे उन्होंने किस तरह मुसलमानों पर इफेक्ट किया था जब वो इंडिया के साथ रहते थे हिंदू के साथ, और किस तरह जब ब्रिटिश गवर्नमेंट भी आई थी उन्होंने किस तरह लाइक जो इंडियंस थे उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मिलकर किस तरह मुसलमानों के ऊपर इतना इफेक्ट किया था कि मुसलमानों को लगा था कि वो अपनी आइडेंटिटी नहीं रख पाएंगे सब कॉन्टिनेंट में भी, और किस तरह लाइक कितने ज़्यादा इशूज़ भी बने थे जब पाकिस्तान बना था, जिस तरह के वाटर डिस्प्यूट बना था, कश्मीर इशू बना था, इस तरह के बहुत भी इशूज़ बने थे। अच्छा, ये सब तो आपको बताया गया,
क्या आपको ये बताया गया कि जो 3 से 4 जंगें हमारी इंडिया के साथ हुई हैं, ये जंगें कौन जीता और कौन हारा? नहीं 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 बताया गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा मुझे बताओ कि आप पर्सनली चाहते हो कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो लड़ाई झगड़े हैं ये ख़त्म होने चाहिए और एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट कायम होना चाहिए? सारी सी बात होना चाहिए, कंट्रीज़ को एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए, पर आगे उनकी भी है कि वो हमारे साथ अच्छा बिहेव करें, हमारी कश्मीर को आज़ाद करते हैं। ठीक हो गया, आप क्या चाहते हो? मैं तो ये कहूँगी कि लाइक अगर फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो तो होना भी चाहिए, बट लाइक अभी भी अगर पाकिस्तान आया भी है वर्ल्ड मैप में, मगर काफ़ी लोग जो होते हैं लाइक आउट ऑफ कंट्रीज़ भी, वो पाकिस्तान को पाकिस्तान नहीं मानते, वो कहते हैं कि अभी भी पाकिस्तान जो है वो इंडिया का ही पार्ट है, जो लाइक काफ़ियों पे इफेक्ट भी करता है। मगर चाहिए हमें भी कि हम लोग लाइक एक फ्रेंडली सा लाइक रिलेशनशिप रखें उनके साथ, जो भी लाइक झगड़े वगैरह जो हमारा गर्ज है उनके ऊपर वो भी ख़त्म। नाम शाकिब, मोहम्मद शाकिब। आप बताओ। कौशिक सिंह नाम है। तो आगे चलकर क्या बनना चाहते हो? जैसे पढ़ाई कर रहे हो तो आगे चलकर क्या बनोगे? अभी तो फिलहाल यही सोचे कि नीट की तैयारी करेंगे इंटर के बाद। नीट मतलब डॉक्टर बनना? हाँ, डॉक्टर बनना है उसके बाद। आपको? हमको भी नीट ही की तैयारी करना है। दोनों लोग डॉक्टर बनोगे? दोस्त हो दोनों लोग? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? इंटर है। हाँ, इंटर इंटर। अच्छा, हमारा एक देश पड़ोसी देश है पाकिस्तान, जब उसके बारे में सुनते हो या न्यूज में सुनते हो या कहीं बुक्स में पढ़ते हो, तो क्या जो है आपके दिमाग में आता है, क्या सोचते हो उस देश के बारे में, या आपको क्या जो है थॉट आती है उसको सुनने के बाद? देखिए, जैसा अगर बताया जा रहा है, अगर उस हिसाब से है पाकिस्तान तो वाकई में बुरा है, लेकिन हम लोग सुन रहे हैं, जब ही जाने तो है ना, उसके बाद ना ही वहाँ कभी गए हम लोग, तो इस तरह से नहीं बताते, लेकिन जैसा कि न्यूज़ पे आता है ना, उस हिसाब से तो वो बुरा है। आप क्या कहेंगे? अरे यही, मतलब वो बुरा नहीं, मतलब जैसा सुनने में आता है वैसे तो लगता है कि बुरा है, लेकिन अब असल सच्चाई थोड़ी ना किसी को पका है कि क्या होगा, इसलिए। सर एक चीज़ बताइए, जैसे कि न्यूज़ में दिखाते हैं, सारी चीज़ें दिखाते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वहाँ सारे लोग आतंकवादी होंगे, कुछ अच्छे भी लोग होंगे। आपको कभी पाकिस्तान घूमने जाने का मौका मिले, जैसे कि पहले तो आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान एक ही था, तो आप जाना चाहेंगे? बिल्कुल जाएंगे, अगर मौका मिला तो ज़रूर जाएंगे। अच्छा, आप बताइए। जाएंगे जाएंगे बिल्कुल, जाने नए देश को जानने का मौका मिलेगा। आप ये बताओ कि जो भारत और पाकिस्तान की इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं, उनका क्या कारण रहा है, किस कारण से जो है भारत और पाकिस्तान की लड़ाइयाँ हुई, दोनों तरफ के जवान मरते हैं, नुकसान होता है, उसका क्या कारण रहा? कश्मीर की वजह से लड़ाई चलती है, वो कश्मीर देना चाहते हैं, हिंदुस्तानों ने दे नहीं रहे हैं, यही लड़ाई चलती है हमेशा से। अच्छा, आप बताओ। थोड़ा जातिवाद का भी वो है, हिंदू मुस्लिम और ये मानते हैं, आतंकवाद तो दूसरी बात है, पहले जात पात का भी मतलब है। अरे हमारे यहाँ तो सब रहते हैं, देखो मुस्लिम है, हम हिंदू हैं, आप हिंदू हैं, बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं, हमारे यहाँ तो कोई मतलब नहीं इन चीज़ों का। देखो छोटी मोटी चीज़ें जो होते हैं, कुछ लोग होते हैं, चाहे आप अकेले रहते हो तब भी आपके बगल वाले कुछ ना कुछ कहेंगे, तो छोटे मोटे लोग हैं, उनको हम लोग तो बहुत टाइम से किनारे करते चले आ रहे हैं ना, क्यों भाई? जी जी जी, बात सही है आपकी। अच्छा, जो भारत मतलब जो पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं, उनको लगता है कि बहुत यहाँ पर दिक्कतें हैं आप लोगों के लिए, खासकर आप मिल गए हो तो इसलिए मैं पूछ दे रहा हूँ, आप खुद एक स्टूडेंट हैं, आने वाले समय में आप डॉक्टर बनेंगे, तो आप जो पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं हमारा वीडियो, आप उनको कोई मैसेज देना चाहते हो तो दे दीजिए भैया। जी, जो देख रहे हैं उनके लिए मैसेज ये कि मतलब जातिवाद तो यहाँ पे है, लेकिन इतना नहीं जितना कि बताया लोग सुनते हैं, जातिवाद है वो हर जगह होता है, ऐसा नहीं कि अपने भारत में ही है, हर जगह जातिवाद होता है, लेकिन इतना हम लोग को सताया नहीं जाता है। वही बात है कि जैसे हम लोग सुनते हैं न्यूज़ में कि पूरा पाकिस्तान आतंकवादी है, पूरा नहीं है, कुछ लोग होंगे लेकिन बदनाम पूरा है ना, वही वाली बात है कि जो वो लोग सुनते हैं तो ऐसा नहीं, छोटी मोटी घटनाओं को लेकर इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे? अरे यही कि मतलब जातिवाद ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए, और मतलब आपस में भाईचारा बना के रखें, जिससे मतलब देश वो आगे बढ़ता है, कोई दुश्मन उस्मत ना बने, जातिवाद ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए, धर्म के ऊपर बात नहीं करके देश के डेवलपमेंट पर बात की जाए, है ना? सही बात जी। धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। क्या नाम है? राशि। आपका? अनुप्रिया। क्या बनोगे आगे, जो पढ़ाई कर रहे हो इसके बाद में क्या बनने का मतलब एक लक्ष्य सेट करके रखा हुआ है? अच्छे से कॉलेज में एडमिशन मतलब इंस्टीट्यूट में जाना है, और आगे की पढ़ाई करनी है, ग्रेजुएशन करना है, और आईआईटी करनी है। आईआईटी मतलब इंजीनियर बनना है? यस। आप? दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है फर्स्टली, और एनडीए में फर्स्ट अटेम्प्ट क्रैक करना है। मतलब आर्मी में जाना है? हाँ, आर्मी साइड पर बड़ी पोस्ट है, मतलब कि डायरेक्ट नहीं, पर हर चीज़ को एक होता नहीं कि हमारा स्टेप स्टेप वाइज, तो हमें उन सिर्फ स्टेप को अच्छे से एज्यूम करके एक स्टेप पे जाना, ताकि हमारा जो सबसे बड़ा स्टेप हो वो बहुत बढ़िया से हो। अच्छा, आप ये बताओ, जो पाकिस्तान का नाम सुनते हो, हमारा देश एक पड़ोसी देश है बेसिकली, उसको हम लोग दुश्मन देश कहते हैं,
तो जो हमारा पड़ोसी देश है उसके बारे में जब आप नाम सुनते हो उसका या न्यूज में सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या जो है थॉट्स आती हैं, क्या सोचते हो आप? कुछ नहीं, हमारे देश से ही कटके है वो, तो ऐसा कोई दुश्मन देश नहीं कह सकते हैं उसको। बाकी हाँ, उसमें क्राइसिस चल रही है इस टाइम काफ़ी, तो उनके साथ हमें डील करना पड़ेगा, तो वो डील कर रहे हैं उसके साथ। बाकी तो कुछ नहीं। आप बताओ क्या सोचते हैं? हम भी नॉर्मली है, मतलब कि ऐसे वो इंडिया, जैसे यहाँ पे हम रहते तो हम इंडिया की तारीफ करेंगे, और पाकिस्तान में जो रहते वो नॉर्मली पाकिस्तान की तारीफ करेंगे, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम अच्छे हैं तो वो बुरे हैं, और उनके हिसाब से वो भी नहीं कह सकते कि हम बुरे हैं। सब लोग अपनी अपनी जगह सही पर है, ये है कि समझौता करना पड़ेगा, ये नहीं कि आप यहाँ से उनके लिए अगेंस्ट बोल रहे हैं तो वो वहाँ से अगेंस्ट बोल रहे हैं, दोनों तरफ से ये गलत है। तो अगर हम ना हम लोग की पाकिस्तान का नाम आता तो हमें कुछ बुरा नहीं लगता उसके बारे में, क्योंकि वो पहले इंडिया का ही पार्ट था, बाद में अलग हुआ, तो उसके लिए कोई हमें गलत फीलिंग नहीं आती पाकिस्तान। अच्छा, न्यूज़ में देखते हो या फिर जो पूरा वर्ल्ड है वो कहता है कि जो पाकिस्तान है वो आतंकवादियों का घर है, वहाँ बहुत ज़्यादा आतंकवादी पाए जाते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? वो आतंकवादी पाकिस्तान की वजह से नहीं है, वहाँ के लोगों का माइंडसेट हाइट था, उनके हालात उन्हें इस कदर मजबूर करते हैं कि उनके अंदर ऐसा एक वो हो जाता है। ऐसे तो ऐसा नहीं कर सकते कि इंडिया में ही कोई आतंकवादी नहीं है, हर जगह जहाँ पे अच्छाई है वहाँ बुराई भी है, तो वी कांट से एनीथिंग। जैसे कि मतलब कि तो हालात की वजह से वहाँ पर ही है, पर जैसे कि हम लोग कोई कास्ट पे मतलब कि कोई बहस छिड़ जाती है तो इसमें मुसलमानों को ज़्यादातर हम लोग अगेंस्ट हो बोलते हैं, तो वो भी मुसलमान तो उन्हें तो बुरा लगना कि ये बात पक्की है, तो वो उस पर अगर कदम उठाते तो उसमें गलती दोनों तरफ की है फिर, तो हम उनको ये नहीं कह सकते कि हाँ वो पाकिस्तान में जो मतलब कि आतंकवादी हैं वही गलत है। यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं कास्ट के बीच में तो वो भी गलत है, पर हाँ ये कि उनको मतलब कि बातों से बातें बाद में मतलब कि करना चाहिए, हथियार नहीं उठाने चाहिए। अच्छा ये बताओ, भारत और जो पाकिस्तान की लड़ाइयाँ हुई हैं आज तक, 4 लड़ाइयाँ हुई हैं, वो किस वजह से हुई हैं, कुछ पता है आपको? लड़ाइयाँ किस वजह से, ऐसा तो कोई वो मेन रीज़न नहीं रहा है, बाकी तो उनका माइंडसेट उनके, उन्होंने 4 बार अटैक किया हमारे ऊपर, कारगिल वार हुई 1948, 1965, तो क्यों हुई पता है आपको? नहीं पता। अच्छा, ये बुक्स में कुछ पाकिस्तान के बारे में पढ़ाया जाता है कि किस तरीके का देश होगा, क्या है, कुछ बताया जाता है? एक्चुअली मैथ साइड है, हमने 10th तक की सिविल मतलब कि सिविक्स पढ़ा है, उसमें हम लोग को सिर्फ डेमोक्रेसी पढ़ाई गई, मतलब कि ये नहीं पढ़ाया गया कि पाकिस्तान में कैसे क्या होता है, बट हाँ थोड़ा बहुत बताया गया था कि स्टार्टिंग में जब इलेक्शन टाइम आया था तो वहाँ पे क्या हुआ था। आप बताओ। बस इतना ही पढ़े, मैं भी मैथ साइड से ही। अच्छा, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाइयाँ हुई हैं उसमें जो 3 लड़ाइयाँ हुई हैं वो कश्मीर के लिए हुई हैं। अच्छा, और एक 1971 की जो लड़ाई हुई थी वो बांग्लादेश से के लिए हुई थी, जिसमें बांग्लादेश अलग बना था। अच्छा, आपको कभी पाकिस्तान घूमने जाना पड़े, मान लो कोई चांस मिलता है तो जाएंगे? लाहौर और बहुत अच्छा है, तो मन तो है कि घूमेंगे, ऐसा नहीं हम ये नहीं करेंगे हम श्रीलंका जाएंगे, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया जाए तो पाकिस्तान ना जाए, एज अ स्टेट सारे बराबर हैं अपनी जगह पे, सब अपने सबको इक्वालिटी देनी चाहिए हमें, तो घूमने तो पाकिस्तान हम जाएंगे। मैंने भी सुना कि वहाँ के लाहौर और वहाँ के एक्टर्स भी बहुत अच्छा एक्ट करते, पहली बात वहाँ की जो पोएट्री होती है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, पर याद तो नहीं होगी पर हाँ अच्छी लगती है। आप जाएंगी घूमने? या ऑफ कोर्स फॉर श्योर, क्यों नहीं, हमारे ही देश से कटके बना है तो घूमने तो जाएंगे। अच्छा, जो पाकिस्तान के लोग वीडियो देख रहे हैं, मान लीजिए कोई देख रहा है तो उसको कोई संदेश देना चाहते हैं तो आप वीडियो में बता दीजिए उनसे? ऐसा नहीं है कि इंडिया वाले ही उनसे मतलब उनसे नफरत करते हैं या ऐसा कुछ भी नहीं है, इंडिया में ऐसी कोई बात नहीं होती कि हमें पाकिस्तान पे हमला करना है या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है, बाकी तो वो उनका माइंडसेट है वो जो। आप बताइए, हम लोग उधर देखते मतलब कि हम अगेंस्ट नहीं है उनके और ना ही वो हमारे अगेंस्ट हो ऐसा हम चाहेंगे, हम बस हमारी भी ये भी नहीं है कि ताली हमेशा दोनों से हाथ से बजती है, तो ये नहीं कहेंगे कि हमारी गलती है, अगर हमारी गलती होगी तो हम लोग मान लेंगे, बट हाँ ये कि हम लोग आपको अलग नहीं समझते, हम लोग भाई बहन है, पूरे दोस्त मतलब कि पूरा वर्ल्ड में भाई बहन हम लोग हैं, एज अ फ्रेंड हम लोग रहेंगे, अगर वो लोग यहाँ पे आके रहेंगे तो उनको जितनी इज्जत हमें यहाँ मिलती है उतनी उनको भी मिलेगी यहाँ पे, और हम लोग जाएंगे तो हम लोग यही एक्सेप्ट करेंगे जितनी हमें यहाँ मिल रही उतनी वहाँ पर भी मिले, तो ऐसा हम अलग नहीं मानेंगे ना, ऐसा फ्रेंडली। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, यार ये कितनी अच्छी बातें की हैं इन दोनों लड़की ने, यार पसंद बहुत आई है, बहुत ही पसंद आई है वाकई में यार, कितनी मतलब इतना कोई मैच्योर बंदा नहीं बातें करता जितनी उन्होंने की है, बहुत जबरदस्त किस्म की, मेरा दिल कसम से मुझे आज तक कोई इतना इंटरव्यू पसंद नहीं आया किसी का जितना मुझे इन दो लड़कियों का इंटरव्यू जो है ना
वो पसंद आया उनके बाद उन्होंने जो की है ना कि भाई दिल खुश कर दिया कि पाकिस्तान में जो लोग हैं सब लोग एक जैसे नहीं होते और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो मजबूर होते हैं, उनके पीछे मजबूरी उनकी होती है, मजबूरी तो होती है लेकिन किसी की जान लेना आपकी मजबूरी का जायज एक तरीका नहीं है। तो लेकिन यार बड़ी अच्छी बात है इन्होंने की कि हम भी लाहौर आना चाहेंगे, हम चाहते हैं कि आप भी यहाँ पे आए, हम दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और ना ही उनके माँ बाप उनको ये सिखाते हैं कि भाई पाकिस्तान एक बुरा कंट्री है, या ना ही उनकी उनकी बुक्स उनको ये बताती है कि भाई पाकिस्तान के साथ तुमने नफरत करनी है। हमारे बच्चे देख लो भाई क्या यार, वो बच्चे ने क्या बोला, मेरे माँ ने मुझे ये सिखाया कि हमें कितना मतलब यार माँ कैसे सिखा सकती है कि तुम इंडिया से नफरत करो, माँ ने नहीं सिखाया होगा ये जरूर, ये बुक्स से पढ़ा हुआ है और न्यूज से बच्चे जो है ना ज्यादातर सीखते हैं। हालांकि हमारे माँ बाप भी तो हैं, वो हमें कोई भी हमें घर पे नहीं सिखाया जाता कि भाई तुम इंडिया से नफरत करो या ये वो, इस तरह से कोई नहीं बताता, लेकिन जो हमारी बुक्स और हमारी मीडिया होती है ना वो हमें जरूर ये सिखाती है कि तुम्हें जो है ना वो इंडिया बिल्कुल मतलब कश्मीर के लिहाज से हमें ज्यादातर लोगों को ना लगता है, लोगों को असल में रियलिटी पता नहीं है ना, इस वजह से अगर उनको सच्चाई हमें पता चल जाए ना उनकी आंखें खुल जाए कि भाई कश्मीर तो बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड है, वहां पे तो इतना ज्यादा शॉपिंग मॉल्स है, पता नहीं यार क्या क्या वहां पे बन रहा है, इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है। तो अगर पाकिस्तानियों को ऐसी वीडियोस दिखाई जाए मुझे तो लगता है कि कोई यकीन ही नहीं आना हमें कि ये जो बोलते हैं कि कश्मीर में ये कश्मीर में वो, तो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त किस्म के वहां पे तो माहौल चल रहा है। अपने कश्मीर को देखो आप क्या कर रहे हो, बस एक डे मना लेते पोस्ट कर देते वहां पे जाके उनकी कुछ हेल्प माली इमदाद करो ताकि उनको भी पता लगे कि यार हाँ हमारा कोई है यहाँ पे। तो ये कि आज की वीडियो कैसी लगी बताना, और हमें बहुत ही पसंद आया सच में, वीडियो कैसी लगी बताना, फिर मिलते हैं कोने भी, थैंक यू।